यस्टरडे बेटा मैंने आपको कहा था कि प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था, कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो है वो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, और मैंने बताया था सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स जो है वो पाई माइनस सीकेंट इनवर्स होता है कॉस का उल्टा, और एक कॉट इनवर्स माइनस एक्स जो है वो मैंने पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स बताया था। बाकी सब में मैंने आपको क्या बताया था, नेगेटिव कॉमन आ जाता है बाहर, जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स में माइनस साइन इनवर्स एक्स बन जाता है, फिर वो सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स में मेरे पास माइनस को सीकेंट इनवर्स एक्स बन जाता है, और फिर टैन इनवर्स माइनस एक्स में मेरे पास माइनस टैन इनवर्स एक्स बन जाता है। इन्हीं को यूज करके हम एक्सरसाइज 2.1 जो है वो कर रहे हैं, स्टार्ट करने लगी हूँ एक्सरसाइज 2.1 का। फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक हमने कल कर लिया था, आई विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर सेकेंड, और मैंने आप लोगों को भी करने के लिए होमवर्क दिया था, एक बार डिस्कस कर लेते हैं, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं। ओके बेटा, तो लेट अस डू क्वेश्चन नंबर टू। देखिए कॉस इनवर्स √3/2 हमारे पास यही दिया हुआ। मैंने बेटा आप लोगों को आगे भी ये बात बताई थी कि अगर आपको इनके एंगल्स के बारे में नहीं पता है कहाँ होती है तो प्रॉब्लम आएगी, आपको सारी चीजें टिप्स भी होनी चाहिए। ओके आपको पता है कॉस इनवर्स √3/2, अगर मैं इनवर्स भूल जाऊं कॉस पे किस एंगल पे वैल्यू √3/2 होती है। हाँ जी, कॉस के किस एंगल पे वैल्यू √3/2 होती है, 60 पे के 30 पे, जल्दी बताइए। हाँ जी बेटा 30 पे होती है ना, पाई बाय 6 पे हमारे पास, तो बेटा हम यहाँ पर पाई बाय 6 लिख दें, बट चेक करना है कि क्या ये उसके रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपको पता है कि कॉस की रेंज जो है वो 0 to π/2 हो रही है, क्योंकि मैंने प्रिंसिपल वैल्यू निकाला, 100% 30 जो है वो 0 और 180 के बीच में आता है, 0 और π के बीच में आता है, तो दैट मीन्स जो ये वैल्यू निकाली वो बिल्कुल करेक्ट है। देयरफॉर जो है कॉस इनवर्स √3/2 इज π/6, बस काम खत्म बेटा। मैंने कल भी बताया था कई स्टूडेंट्स लेट करके करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जैसे मर्जी कर लीजिए। ठीक है जी, लेट अस डू नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन मेरे पास हो गए इसी पर रिलेटेड, तो मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो क्या दिया हुआ है, कोसेकेंट इनवर्स 2 है ना बेटा। अब आपको पता है कोसेकेंट इनवर्स जो 2 है, अगर आपको वैल्यू वैसे नहीं याद रहती तो कोसेकेंट किसका उल्टा है बेटा, साइन का उल्टा है, साइन की वैल्यू 1/2 किस पे होती है, 30 पे होती है, तो यहाँ पर भी 30 पे होगी, तो मैं इसकी वैल्यू देखूँ तो ये पाई बाय 6, फिर मैंने ये चेक करना है कि क्या ये कोसेकेंट के जो है रेंज में आता है कि नहीं आता, तो बेटा कोसेकेंट की रेंज आपको पता थी कि दैट इज -90 to 90, बट उसमें वैल्यू 0 नहीं आती है, तो दैट लाइज दिस। अच्छा अगर आपने ऐसा नहीं करना, आपको लगता है कि आपको कोसेकेंट वगैरह की वैल्यू नहीं पता है ना, आपने चलो आंसर इसका ऐसे लिख दिया, आप इसको साइन में भी चेंज कर सकते हो इनवर्स में। कैसे मैं आपको बता दूं बेटा, आगे ये आइडेंटिटीज भी करवाऊंगी, मैं अभी बता देती हूँ, आपको इजी रहेगा सम करना, क्योंकि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स ये मेन तीन होते हैं, तो बच्चों को ये याद होते हैं तो इजी वे। बेटा जो साइन इनवर्स एक्स है ना वो कोसेकेंट इनवर्स 1/x हो जाता है। मान लीजिए जो कोसेकेंट इनवर्स एक्स है तो वो साइन इनवर्स 1/x के, यहाँ पर एंगल जो वैल्यू है सॉरी उसको रेसिप्रोकल करते, बस ऐसे ही कोसेकेंट
cot inverse x जो भी जिसका रेसिप्रोकल होता था जो टेंथ में किया था, cot inverse x जो है वो tan inverse 1 by x की ऐसी secant का cos inverse के साथ, secant inverse का cos inverse के साथ, tan inverse का cot inverse के साथ, तो हम ऐसे भी कर सकते थे क्वेश्चन को। देखिए कि cosecant inverse 2 को मैं sin inverse 1 by 2 लिख दूं, ठीक है ना। तो अब क्योंकि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स सब आपको याद होता है, अब यहाँ पर देखिए आपको पता है इसकी वैल्यू पाई बाय सिक्स, दैट बिलोंग्स टू आपने किया हुआ है दैट इज माइनस 90 to 90। बस आंसर तो वही आना है, आप चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, बस यहाँ पर उसकी रेंज आनी है, मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू आनी है कोसेकेंड इनवर्स की, यहाँ साइन इनवर्स की है। तो देयरफॉर cosecant inverse 2 जो गए वो मेरे पास कितना आ गया पाई बाय 6। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट तो नहीं बेटा यहाँ पर किसी को? चले आगे बेटा, चल नेक्स्ट मेरे पास हो गया। अब आप लोग बताओगे मुझे, लेट अस डू पहले एक नेगेटिव क्वेश्चन करवा देती हूँ, नेगेटिव वाला, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना है, उसके बाद जो है मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है। लेट अस डू वन नेगेटिव, फोर्थ क्वेश्चन नेगेटिव है, लेट अस डू दैट। ओके जी, टैन इनवर्स माइनस रूट थ्री, मैं हमेशा कहती हूँ नेगेटिव है तो पहले नेगेटिव वाला फॉर्मूला लगाइए, तो मेरे पास माइनस टैन इनवर्स रूट थ्री आ गया। अब मुझे पता है रूट थ्री जो है टैन की वैल्यू कहाँ पर होती है, 60 पे होती है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, फिर यहाँ पर 60 लिखूंगी, तो 60 के लिए मेरे पास क्या हो गया, दैट इज पाई बाय 3, है ना। तो मेरे पास अब सबसे बड़ी बात है, पहले तो मैं ये देखूँ क्या मेरा, अगर मैं ऐसे लिख दूँ ये लिख कि क्या ये मेरी रेंज को बिलोंग करता है, Yes, that belongs to, क्योंकि आपको याद हो tan inverse की जो रेंज होती है ओपन इंटरवल माइनस 90 टू 90 होती है, तो ये कितना माइनस 60 इसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है बेटा, क्लियर? कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर किसी को, कोई भी डाउट यहाँ? तो देयरफॉर मेरे पास tan inverse माइनस रूट थ्री के आंसर। मैंने कल भी आपको बताया था कई स्टूडेंट लेट करके ट्रायंगल्स बना के करते हैं, वो भी गलत नहीं है। आगे हम वो भी कई क्वेश्चंस है जो होते हैं ट्रायंगल से, वो भी हम करेंगे। ओके जी, बट दिस इज द इजीएस्ट वे टू डू द क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन अब मैं लिखने लगी हूँ। प्लीज रेज योर हैंड टू Tell me how to do this question. Okay? Question number 5. आप खुद अपने आप को unmute करोगे और मुझे बताओगे कि yes ma'am, हम ऐसे कर सकते हैं। It's just a normal discussion बेटा। और मैं बार-बार कह रही हूँ, हमें internal assessment के लिए आपके practical, आपका सब कुछ, ये आपकी class performance पर based सब कुछ होता है। So try to participate in the class. Okay? हाँ जी। Cos inverse माइनस वन बाई टू, चलिए बेटा जल्दी, या मैं रूल नंबर बोलूं टर्न बाय टर्न, टोटली आप पे, पार्टिसिपेंट की लिस्ट के अकॉर्डिंगली चलूं तो फर्स्ट, हाँ जी बेटा कनुबा अनम्यूट योर सेल्फ बेटा, बताइए कैसे स्टार्ट करें। कनुबा बेटा यस मैम, हाँ जी बेटा बताइए कैसे स्टार्ट करें बेटा। पहले cos 1 by 2 का फॉर्मूला लगा देंगे तो उसकी cos 1 by 2 होता है cos 60। पर बेटा यहाँ नेगेटिव है ना, तो सीधा नहीं ना लगा सकते हैं, है ना। तो जब भी मैंने आपको कहा cos inverse minus x, देखो ये फॉर्मूला लिखा cos inverse minus x, तो क्या बनता है pi minus cos 1। तो पहला कॉन्सेप्ट तो यही लगेगा ना बेटा, cos inverse पाई माइनस कॉस इनवर्स
वन बाय टू, अब नेगेटिव खत्म हो गया ना, मतलब पहला काम है नेगेटिव को खत्म करो, ठीक है। अब मुझे बताइए कॉस इनवर्स वन बाय टू जो है वो कहाँ पर होता है? 60, वेरी गुड। तो मैं पाई माइनस यहाँ पर पाई बाय थ्री लिख सकते हैं, है ना? तो आंसर क्या आ जाएगा? 2π/3। दिस इज द इजीएस्ट वे टू परफॉर्म द क्वेश्चन, ओके। जो बुक में मेथड दिया है उसमें हमें क्वाड्रेंट चेक करना पड़ता है, तो बेटर है हम ये वाली आइडेंटिटीज क्यों ना यूज करें, ओके। गुड कन्वा, क्लियर बेटा सबको? चले आगे, चलिए नेक्स्ट टर्न है दिव्यालीन। दिव्यालीन बेटा अनम्यूट योरसेल्फ, जल्दी जल्दी बेटा, कोई बात नहीं, अगर हमें कुछ नहीं भी आता किसी की बात, मैं सबकी जनरल बात कर रही हूँ, नो प्रॉब्लम, बात ये हमने सीखना है। दिव्यालीन अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, ओके। फतेह, फतेह अनम्यूट योरसेल्फ, फतेह अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, फतेह आई एम सेइंग अनम्यूट योरसेल्फ, ओके। महक, महक रोल नंबर 24, सबकी टर्न आनी है बेटा, अनम्यूट तो करना ही पड़ेगा आपको। महक बेटा, ओके। प्रभनूर, प्रभनूर, यस मैम, हाँ जी बेटा, बताइए हाउ टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन। पहले इक्वल टू माइनस 10 इनवर्स 1, वेरी गुड। आफ्टर दिस मैम उसके बाद 1 π/4 होता है, बिल्कुल माइनस 10 π/3, माइनस 10 नहीं आएगा ना, tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है, पूरी 1 की थोड़ा होती है, 1 कैन नेवर बी रिटन एज π/4, ओके। दैट इज tan इनवर्स 1, ठीक है ना, कि tan की वैल्यू कौन से एंगल पे 1 होती है, तो उसको हम tan इनवर्स 1 लिखते हैं और दैट इज इक्वल टू π/4, ओके, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हां जी नेक्स्ट टर्न राघव, राघव बेटा secant इनवर्स 2√3, राघव, राघव अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, हाँ जी राणा, राणा अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, यस मैम, हाँ जी राणा, हाउ टू परफॉर्म दिस क्वेश्चन जल्दी बताइए। डायरेक्ट एंगल भी तो कर देंगे secant 60 में, हाँ जी 30 में, secant 30 में आ जाएगा, देखो कंफ्यूज, ध्यान से कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल 30 पे होती है। अगर आप लोगों को नहीं पता चलता, मैं बार बार कह रही हूँ, कॉस पे पता है उसका रेसिप्रोक कर लो, आपको पता है कि कॉस पे ये 30 पे होती है ना, तो कोई बात नहीं है ना, आराम से, क्योंकि जरा सी गलती सारा क्वेश्चन यहाँ गलत कर देगा, तो दैट मीन्स कि मेरे पास इसका आंसर आया π/6 है ना 30, बट चेक जरूर करना, देखो हमने यहाँ पर भी चेक नहीं किया, बट मुझे पता था कि ये माइनस 90 to 90 में होती है, ये लिखना जरूरी है तभी आंसर माइनस π/4 आएगा, ठीक है। तो अब आपको पता है कि कॉस की रेंज जो है वो 0 to π होती है, दैट बिलोंग्स टू मेरे पास 0 to π, ओके, क्योंकि मैंने कॉस इनवर्स में चेंज कर दिया। अच्छा अगर आप सीकेंट की भी रेंज लिखना चाहो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसकी भी लिख सकते हो, हमें पता है सिर्फ 0 to π में 90 नहीं आना, क्योंकि हमने वहां से स्टार्ट किया है क्वेश्चन हमारा secant इनवर्स, अगर हम secant को पहले cos में चेंज करते हैं और cos से डील करें तो फिर हम यहाँ π/2 नहीं लिखेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा, ठीक है 100% रहना करेक्ट है। चलिए अब आप लोग 8th, 9th, and 10th क्वेश्चन अब आप खुद ट्राई करोगे, होमवर्क है, बिल्कुल सेम सेम क्वेश्चंस हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, 9th एंड 10th, ओके जी, लेट अस डू
this question number 8, 9, and 10, that is your homework. You can try it. Okay, to mere paas to gaye. हाँ जी, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 11 से. ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, टैन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1 बाय 2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1 बाय 2. ओके बेटा, तो अब बेटा मेरे पास जो है यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन देखूँ, मेरे पास सीधा इसमें हमने कोई कैलकुलेशन वाली बात नहीं लेनी है. मैंने वो मेथड करवाया ही आपको इसीलिए ताकि आप लोगों को ये आगे वाले क्वेश्चन जो हैं वो इजीली आप कैलकुलेट कर सकें. ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, हमने ये देखना है कि इनको सॉल्व कैसे करेंगे. तो उसके लिए बेटा आप चाहिए अलग अलग वैल्यूज इवैल्यूएट कर दो बेटा, चाहे आप अलग अलग वैल्यूज इवैल्यूएट कर दो या सीधा कर दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं. टैन इनवर्स 1 हमें पता है ये पाई बाय 4 है. ओके बेटा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स मैंने आपको पहले ही बताया पाई माइनस, अब 1 बाय 2 किस पे होता है, कॉस का 1 बाय 2 60 पे होता है, तो पाई बाय 3. ये पता चला सबको कि मैंने कैसे लिखा इसको, मैंने अलग अगर ये क्वेश्चन आता तो आप ये स्टेप करते हो, कॉस इनवर्स माइनस 1 बाय 2 को पहले पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 बाय 2 लिखते हो और पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 बाय 2 की जगह पाई बाय 3 लिखते हो, लिखते हो ना बेटा, तो मैंने सीधा ही लिख दिया. क्लियर, आपने साइड पे बस अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप साइड पे ये फॉर्मूला लिखोगे बस, तो उनको पता चल जाएगा कि आपको आता है कौन सा. अब साइन इनवर्स मेरे पास तो गए माइनस 1 बाय 2, आपको पता है 1 बाय 2 30 पे होता है साइन पे, लेकिन नेगेटिव है तो आपने किया है साइन इनवर्स माइनस एक्स जो गए वो माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है, तो यहाँ पर माइनस पाई बाय 6. बहुत इजी है बेटा, आगे इसको सॉल्व कर दीजिए. कोई डाउट किसी को तो यू कैन आस्क. ठीक है, तो यहाँ पर यू कैन टेक द एलसीएम, 12 एलसीएम आएगा तो 3 पाई प्लस यहाँ पर मेरे पास जो है 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई. सॉल्व करिए, मेरे पास ये 15 माइनस 6 9 पाई बाय 12 और ये आ जाएगा 3 पाई बाय 4 आंसर. ओके बेटा, बहुत इजी एक्सरसाइज है, अगर आप पार्टिसिपेट करते हो, अगर आप सुनते हो ध्यान से तभी आपको इजी लगेगा. ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को तो ट्राई कीजिए, साथ साथ कीजिए मेरे हरिया. तो मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर 12 में क्या आएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 कॉस इनवर्स 1 बाय 2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1 बाय 2. ओके, तो मेरे पास यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले खुद देखिए ये कॉस इनवर्स 1 बाय 2 है, मुझे पता है सीधा पाई बाय 3 60 पे होता है ना 1 बाय 2 कॉस का, अब ये 2 का 2 लगा है, साइन इनवर्स 1 बाय 2 किस पे होता है 30 भी होता है यानी पाई बाय 60, तो ये कट गया 3 आया तो मेरे पास 2 पाई बाय 3 आया. ओके, एक सेकेंड में क्वेश्चन होने वाले हैं बेटा. ठीक है, लेट अस डू नाउ क्वेश्चन नंबर 13. उन्होंने हमें दिया हुआ है कि अगर मेरे पास साइन इनवर्स एक्स की जगह, ये एमसीक्यू टाइप है, मतलब 1 नंबर का है, हमें सीधा भी 1 नंबर का आ सकता है, और कैसे इसकी स्टेटमेंट चेंज हो सकती है देखिए. साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, बेटा मुझे वाई की रेंज बतानी है, मतलब वैल्यू बतानी है बेटा, क्लियर कट वाई जो है वो क्या है, रेंज है ना, आउटपुट है ना, तो अगर आउटपुट है आपको पता है वो प्रिंसिपल वैल्यू होती है,
और साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? -90 to -90 होती है कि नहीं? तो बेटा कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? देखिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। चलिए अब कौन बताएगा नेक्स्ट टर्न जो है? लेट अस सी हु इज एबल टू टेल मी दिस नेक्स्ट टर्न थी। राणा ने बता दिया था, रसिका। रसिका अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। जी आप बता सकते हो बेटा इसका आंसर कैसे हम सॉल्व करें? यस मैम। हम tan इनवर्स रूट 3 की जगह पे हम लिख देंगे पाई बाय 3। वेरी गुड। और जो सीकेंट होता है उसको पाई माइनस की टर्म्स में लिखते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बेटा, पाई माइनस 2 की वैल्यू होती है पाई बाय 3 पे, तो बिल्कुल हम माइनस पाई बाय 3 लिख देंगे। ओके जी बिल्कुल करेक्ट बताया रसिका। यस हां जी। अब ओपन द ब्रैकेट एंड सॉल्व इट। तो मेरे पास ये टर्म आ गई, तो मैं एलसीएम लूंगी 3 और दैट इज पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई माइनस पाई बाय 3 मेरा आंसर आएगा। ओके तो दैट मींस मेरा बी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर बेटा, सबको क्लियर है? बिल्कुल करेक्ट रसिका बेटा, गुड। ठीक है चलिए अब ये मेरे पास जो है यहाँ पर एक्सरसाइज जो है का कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हो गया हमारा एक कॉन्सेप्ट। ठीक है अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज। नो डाउट लास्ट ईयर ये डिलीट हो गया था, बट फिर भी हमने बच्चों को करवाया था। उसका रीजन ये था कि ये जो प्रॉपर्टीज ये कभी ना कहीं आपके कॉन्टिन्यूटी डेरिवेटिव आपकी इंटीग्रेशन में यूज होती है, तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है जी अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले ही मैं कुछ प्रॉपर्टीज आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है मैं एक बार फिर सारी की सारी रिकॉल नहीं करूँगी। ठीक है जैसे मैंने आज ही आपको बताया कि साइन इनवर्स 1/x जो है, साइन किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसेकेंट का। तो यहाँ कोसेकेंट इनवर्स एक्स बन जाता है, पहली आपकी प्रॉपर्टीज। और ये आप प्रूफ भी कर सकते हो। मैं एक का प्रूफ बता देती हूँ ताकि आप लोगों को 100% पता चले ये आया कैसे। ठीक है आने के लिए हम हमेशा एक साइड को लेट कर लेते हैं। मैंने इसको लेट किया वाई। अब ये जो साइन इनवर्स है उधर जाके क्या हो गया? 1/x इज इक्वल्स टू साइन वाई। ओके बेटा अब हमें क्या, हमने कोसेकेंट इनवर्स में आंसर देना है। वी वॉन्ट टू गिव द आंसर इन सेकेंट इनवर्स। देना कि नहीं देना आपकी मर्जी है। चाहे आप इसको ट्रायंगल लॉ से कर लो, अगर आपको लगता है आपने ट्रायंगल करना है आप ट्रायंगल लॉ से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने जो है इसको दूसरे मेथड से करना आप दूसरे मेथड से कर सकते हो। मैं ट्रायंगल से आपको करवा लेता हूँ। ठीक है कैसे? साइन क्या होता है मैंने सीधा करके लिख लिया। वैसे साइन मेरे पास मतलब जो होता है दैट इज पी बाय एच होता है, यानी पी की वैल्यू 1 होगी एच की वैल्यू एक्स होगी। हम टेंथ में के साथ लगा लेते थे, वो आपकी मर्जी। मुझे किस में आंसर चाहिए? उस सेकेंड में। तो मैंने कंसीडर किया उस सेकेंड वाई। अब उस सेकेंड किसके इक्वल होता है? एच बाय पी के। एच की वैल्यू एक्स, वाई की वैल्यू 1, इसी का रेसिप्रोकल होना होना के। तो दैट मींस मेरे पास आई विल राइट हियर कि कोसेकेंट इनवर्स जो सॉरी कोसेकेंट वाई वो एक्स के इक्वल है। तो अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो दिस इंप्लाइज वाई किसके इक्वल है? कोसेकेंट इनवर्स एक्स। वाई ये लेट किया था हमने, वाई ये प्रूव कर दिया, यानी ये दोनों आपस में इक्वल है ना। तो दैट मीन कि मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, साइन इनवर्स 1/x जो है
रूट को सेकंड इनवर्स x के आप कोई भी प्रूफ कर सकते हो, एनीथिंग, ठीक है। प्रूफ करने हमें आती नहीं है बट आनी चाहिए, मेथड यही यूज होना है आगे क्वेश्चंस में। सो आपको कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ करनी भी आ जाए तो आप ये नहीं कह सकते हो कि ये ऐसे हम लेट करके उसको उसके अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कर देते हैं, बस काम यही है इसमें, ठीक है बेटा। चलिए अब नेक्स्ट हम जो गए यहाँ पर करते हैं जो लर्न करने वाली नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो है ना वो हमेशा पाई बाय टू के इक्वल। जैसे आपने आइडेंटिटी की हुई थी कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा इक्वल टू वन, यहाँ पर हमने किया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू प्रोवाइडेड। बेटा ये चीज जरूर याद रखें, डोमेन कि एक्स किस में बिलोंग करना चाहिए, माइनस वन टू वन के बीच। कॉम्पिटिटिव में ये यूज होती है चीजें, इधर हमारे भी नॉर्मल क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। सेकेंड मेरे पास टैन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाय टू, यहाँ पर जो थीटा है ना बेटा या एक्स सॉरी वो रियल नंबर को बिलोंग। नेक्स्ट थर्ड को सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस सीकेंट इनवर्स एक्स जो है वो किसके इक्वल होता है, पाई बाय टू के, प्रोवाइडेड कि मेरे पास जो है मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ये क्यों बताते हैं, मान लीजिए अगर कहीं पे आपके पास होता को सीकेंट इनवर्स मान लीजिए माइनस टू होता, आप खुद देखिए यहाँ पर x की वैल्यू मैं x का मॉड लू तो वो वन से बड़ा है ना, चलेगा। प्लस सीकेंट इनवर्स माइनस टू, मतलब ये चीज चेक करनी होती है। अगर कुछ नहीं दिया ना, मान लो आपको कोई वैल्यू नहीं दी, जनरल दिया, तो फिर हम वो लेके चलते हैं कि वो विद इन द वो डोमेन ही लेगा, तब हमें चेक करने की जरूरत नहीं, तो हम सीधा इसकी जगह पाई बाय टू लगा सकते हैं। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? हाँ, अगर यहाँ पर ऐसे होता वन बाय टू सपोज, क्या ये मॉड इसका वन या वन से इक्वल हुए? आपको पता है कि ये चीज आपने लीनियर में की हुई है कि अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन होता है तो माइनस वन से बड़ी वैल्यू इधर सॉरी छोटी वैल्यू और वन से इधर बड़ी, ये वाली वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, उसके लिए ये ट्रू नहीं है, तब नहीं ये आए। इसीलिए हम डोमेन बच्चों को कहते हैं कि लर्न जरूर कीजिए। यही क्वेश्चन अगर आ जाए 99% बच्चे इसका आंसर पाई बाय टू लिखते हैं, पर दैट इज रॉन्ग। ओके, तब नहीं हो सकता बिकॉज ये इसकी रेंज में लाई नहीं करता। क्लियर बेटा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेरे पास हो गए केस। अब जितने फॉर्मूलेज आपने मतलब मेन फॉर्मूले जैसे साइन डबल एंगल वाले या टैन जो है ए प्लस बी का, सारे फॉर्मूले इनवर्स में भी यूज होते हैं। वो कैसे यूज होते हैं देखिए, मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास नेक्स्ट जो है आइडेंटिटीज है टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई। अगर आपको याद हो आपने टैन एक्स प्लस वाई का किया हुआ, टैन एक्स प्लस टैन वाई ओवर वन माइनस टैन एक्स टैन है ना, प्लस वन भी किया था। यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, ध्यान से पहले ही अलग अलग है, तो इसका होता है tan इनवर्स x प्लस y
ओवर वन माइनस एक्स वन। देखो मिलता जुलता ही है, ये गलती कभी नहीं करनी है। बच्चे क्या करते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई भी है ना, उस पे ये वाला फॉर्मूला लगा, दैट इज रॉन्ग बेटा। यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दोनों के साथ अलग अलग tan इनवर्स होना चाहिए, तो उसको कंबाइन करने का ये फॉर्मूला है। ओके फिर प्रोवाइडेड वही यहाँ पर x y जो है वो लेस देन है, एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन है। ये चीजें प्लीज याद रखना। अगर आप किसी एक्स्ट्रा बुक में देखोगे ना, उन्होंने इनकी केसेस बनाए हुए हैं और पहले ही एडजस्ट कर दिए, आपको एडजस्ट करने की जरूरत ही नहीं। जब अपने आप बीच में कोई नेगेटिव आएगा या कुछ होगा तो अपने आप वो पाई माइनस बनना है या माइनस बाहर कॉमन आना है वो अपने आप हो जाता है। तो आपको वो इतने सारे फॉर्मूलेस कंडीशंस लर्न करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बहुत सारे फॉर्मूलेस होते हैं। ठीक है, आई नो दिस थिंग कि आप एक्स्ट्रा बुक देखोगे तो उनमें ये चीजें होती हैं, हमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, हम इन्हीं से ही काम चला लेते हैं। ठीक है बेटा, तो मेरे पास नेक्स्ट अगर नेगेटिव हो तो बिल्कुल वही, सिर्फ यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। मैं आपको प्रूफ करके भी बता देती हूँ कि कैसे हमने ये की। ठीक है, पहले फॉर्मूला बताती हूँ, एक प्रूफ करके बताऊंगी ताकि आपको अगर कई बार ये आ जाए प्रूफ दिस इज इक्वल्स टू दिस, तो आपको प्रूफ करना, मैं बार बार कहती हूँ कि सारी आइडेंटिटीज आनी चाहिए। ठीक है, एक्स माइनस वाई ओवर वन प्लस एक्स वन, इसमें कंडीशन होती है एक्स वाई ग्रेटर देन माइनस वन। अब प्रूफ करना मैं आप लोगों को बताने लगूंगा। ठीक है, लेट अस डू दिस। हम क्या करेंगे बेटा, हम लेट कर लेते हैं tan इनवर्स x को थीटा एंड tan इनवर्स y को हम फाई ले लें। अब बेटा तो यहां से x की वैल्यू क्या निकली tan थीटा और y की वैल्यू मेरे पास क्या इवैल्यूएट हुई यहां पर, अगर मैं देखूं तो y इज tan फाई। ओके बेटा, अब प्रूफ स्टार्ट कैसे करना होता है। tan में ना आपको x प्लस वाई ऐसी फॉर्म में चाहिए, तो हम स्टार्ट ही अपने प्लस वन के कॉन्सेप्ट से करेंगे, tan थीटा प्लस फाई यानी x प्लस वन। क्या होता था, tan मेरे पास हो गए थीटा प्लस tan फाई ओवर वन माइनस tan थीटा tan फाई। ओके बेटा, अब इसके आगे क्या करेंगे हम, लेट मी शो यू। हाँ जी, अब बेटा मेरे पास क्लियर कट, ये क्या है, दिस इज एक्स, ये क्या है मेरे पास वाई ओवर वन माइनस टेन थीटा को क्या लिया था मैंने, दैट इज एक्स और वाई, और इधर यही चल रहा है ना टेन थीटा प्लस फाइव। अब बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज मेरे पास थीटा प्लस फाइव, ये टैन उधर जाके क्या बन जाएगा, टैन इनवर्स बन जाएगा बेटा। ओके बन गया। अब यहां पर थीटा की जगह पे मैं क्या लिखूंगी बेटा, देखिए टैन इनवर्स एक्स प्लस फाइव की जगह पे क्या लिखूंगी, टैन इनवर्स वाई, और दैट इज इक्वल टू मेरे पास जो है tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस x। देखो प्रूफ कर दिया ना, यही प्रूफ करना था, सी इट केयरफुली। तो किसी भी आइडेंटिटी को आप इस मेथड से प्रूफ कर सकते हो, इट्स नॉट ए बिग डील फॉर अस। ओके जी, बात समझ आई बेटा सबको, कोई डाउट यहां तक किसी को बेटा, चले आगे। ठीक है जी, ओके बस। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास डबल एंगल फॉर्मूलेस भी वी आर हैविंग। ठीक है, तो वो कल हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज टाइम इज गोइंग टू बी ओवर, तो वी विल डू इट टुमारो। ओके, प्लीज लर्न दीज फॉर्मूलाज,
सो दैट कि आप लोगों को बहुत